मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम लोग पेनिसिलिन के मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे। पेनिसिलिन के मैकेनिज्म के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो पेनिसिलिन जनरली इफेक्टिव है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और कुछ ग्राम नेगेटिव में। ओके एंड और कुछ ग्राम नेगेटिव में, ज्यादातर ये क्या में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इफेक्टिव है। ओके तो पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये बैक्टीरिया का, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल को, सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। ओके तो देखते हैं कैसे सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम लोग कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। ओके पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? ये एक पॉलीमर है जो कि सुगर और अमाइनो एसिड से बना होता है। सुगर और अमाइनो एसिड से बना होता है। ओके तो इसमें जो सुगर मोइटी है, सुगर मोइटी का जो नाम है पेप्टिडोग्लाइकेन में, उसका नाम है नाम एन नाग। ओके नाम एन नाग, इसको कहते हैं एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन इसे कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। ओके तो ये है सुगर पार्ट, और ये जो सुगर पार्ट होता है ये एक दूसरे से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड। ओके कितना अमाइनो एसिड? 3 से 5 अमाइनो एसिड लेंथ का चेन से, अमाइनो एसिड का चेन से। ओके तो देखते हैं कि कैसे ये जुड़ा होता है नाम और नाग। तो ये होता है नाम नाग नाग, ये है चेन। ओके और ये जुड़ा होता है एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड चेन। ये पेंटा पेप्टाइड चेन से जुड़ा होता है। ओके तो ये दोनों जो लिंक होता है, क्रॉस लिंक होता है किससे? पेंटा पेप्टाइड चेन से। अमाइनो एसिड चेन, और ये प्रोसेस का हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस लिंकिंग। ओके ये प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? क्रॉस लिंकिंग। अब ये क्रॉस लिंकिंग होने में आपका एक एंजाइम है जो मुख्य भूमिका निभाता है। उस एंजाइम का नाम है हमारा ट्रांसपेप्टिडेज, डी डी ट्रांसपेप्टिडेज। ओके ये क्या है? डी डी ट्रांसपेप्टिडेज, जो कि ये दोनों को, चेन को क्रॉस लिंक होने में मदद करता है। ओके और से हम जनरली कहते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। इसे क्या कहते हैं ना? जनरली पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। और प्रोसेस जो होता है क्रॉस लिंकिंग का, उस क्रॉस लिंकिंग का प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसपेप्टिडेशन। तो ये जो प्रोसेस ट्रांसपेप्टिडेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल वॉल सिंथेसिस के लिए बैक्टीरिया में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल के सिंथेसिस के लिए। ओके अब हमारा जो पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, पेनिसिलिन हो या सिफेलोस्पोरिन हो, ये क्या करता है? इस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से जाकर बाइंड कर जाता है और इस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को इनहिबिट कर देता है। मींस आपका ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को ये इनहिबिट कर देता है। उस वजह से क्या होता है कि ये क्रॉस लिंक, ये जो क्रॉस लिंक हुआ है ये नहीं हो पाता है। ओके और जब क्रॉस लिंक नहीं हो पाता है तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है
वो अच्छा से सिंथेसिस नहीं हो पाता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल अच्छा से सिंथेसिस नहीं हो पाता है। और ड्यू टू डी और क्योंकि ये सेल वॉल अच्छा से सिंथेसिस नहीं हो पाता है, तो जितना ड्यू ऑस्मोसिस के वजह से बाहर से जितना भी सॉल्वेंट पार्टिकल है वो अंदर आ जाता है, क्योंकि अंदर में सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है बैक्टीरिया का, इसलिए ऑस्मोसिस के वजह से बाहर से जो भी सॉल्वेंट है वो अंदर आता है और ये क्या होता है बर्स्ट हो जाता है तुम्हारा बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया क्या हो जाएगा आपका बर्स्ट हो जाएगा। तो इसी तरीका से पेनिसिलिन और सेफालोस्पोरिन बैक्टीरिया का सेल वाल को इनहिबिट करता है, सेल वाल का सिंथेसिस को इनहिबिट करता है ग्राम पॉजिटिव में स्पेशली। ओके, और इसी कारण से ये पेनिसिलिन और सेफालोस्पोरिन को क्या कहते हैं ना, बैक्टीरिसाइडल इन नेचर। तो इसी के साथ आज का क्लास खत्म हुआ। ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन।